नाउ वी विल डू इंग्लिश वन मीन्स इंग्लिश ग्रामर. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर सिक्स. वी हैड कंप्लीटेड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी एंड ई. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर एफ. सो हियर कलर द वर्ड विच इज नॉट नाउन इन ईच ग्रुप. ओके सो हियर वी हैव टू कलर दैट इन दीज ऑल द ग्रुप्स विच वर्ड इज नॉट अ नाउन. फर्स्ट वन सन सी स्काई स्टार एंड मून. सो दीज आर द फाइव वर्ड्स विच वन इज नॉट नाउन. फर्स्ट वन सन. सन इज द नाउन. सेकेंड वन सी. सी इज डूइंग. सी इज नाउन. नो इट इज नॉट नाउन. दैट इज डूइंग वर्ड. सो वी हैव टू कलर इन दिस. सेकेंड वन ट्री बर्ड फ्लाई ग्रास एंड लीफ. नाउ हियर ट्री इज द नाउन. बर्ड इज द नाउन. फ्लाई. फ्लाई इज अ नाउन. नो इट्स अ डूइंग वर्ड. सो यू हैव टू कलर द फ्लाई. देन थर्ड वन बोर्ड चेयर टेबल राइट बुक. इन दीज वर्ड्स वॉट इज द विच वर्ड इज देयर दैट इज नॉट नाउन. नाउ आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई इजिली दैट राइट इज अ डूइंग वर्ड. सो वी हैव टू कलर इन राइट. फोर्थ वन गर्ल्स सिंग बॉयज स्कूल म्यूजिक. सो गर्ल्स आर द नाउन्स. सिंग. सिंग इज अ डूइंग वर्ड. सो वी हैव टू सर्कल ऑन. वी हैव टू कलर ऑन सिंग. फिफ्थ वन पार्क प्लेयर्स प्ले फुटबॉल क्रिकेट. सो पार्क इज अ नाउन. प्लेयर्स इज अ नाउन. प्ले. प्ले इज नॉट अ नाउन. दैट इज डूइंग वर्ड. सो वी हैव टू कलर ऑन प्ले. देन सिक्स गोट माउस काउ डॉग रन. So these all are the noun. Goat, mouse, cow and dog. These are the name of animals. They are nouns. And here is run. Run is not a noun. That is doing word. So we have to color here in run. Okay. Now value corner is there. Every person has a name. One day you visit your friend Rahul's house. How will you address his father? Means हर एक person का नाम होता है. अगर आप अपने friend के यहाँ जाते हो तो आप उसके पापा को कैसे बुलाएंगे? By his name like Rajesh or Rajiv, whatever the name is there. B Rahul's father. C uncle and D mister. आप अपने फ्रेंड के पापा को क्या कह के बुलाएंगे उसमें आपको टिक करना है. नाउ हियर लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फाइंड देयर नेम्स इन द ग्रिड गिवन बिलो. फर्स्ट लेटर इज बोल्ड ऑल्सो. हियर विच वन इज दिस. दिस इज ट्री. देन This is book. So here B double O K. You have to circle. You have to draw a square here. Then first one is tree. You have to find here T R double E. You have to draw rectangle here. Like this, from all these pictures, you have to draw a rectangle on the spelling of that picture. Okay. Now on the next page, question number H, guess who am I? First one,
आई मेंड योर शूज. ऑल ऑफ यू नो द आंसर. कॉबलर. तो हियर यू हैव टू राइट ओ एल ई, देन द होल स्पेलिंग विल बी कॉबलर. आई लुक आफ्टर यू वेन यू आर सिक. सो वॉट विल बी द आंसर? यस डॉक्टर. डी ओ सी टी ओ आर. थर्ड वन, आई टीच यू इन स्कूल. हु इज टीचिंग यू इन द स्कूल? टीचर. टी ई ए सी एच ई आर. टीचर. फोर्थ वन, आई कट योर हेयर. सो हु इज कटिंग योर हेयर? बार्बर. बी ए आर बी ई आर. देन फिफ्थ वन, आई स्टिच योर क्लोथ्स. सो हु इज स्टिचिंग योर क्लोथ्स? टेलर. टी ए आई एल ओ आर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम वन विथ वर्ड्स इन कॉलम टू. फर्स्ट वन, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, शेल्फ. देन व्हाट इज इट? व्हाट विल यू से? फ्रूट, फर्नीचर. यस, दीज आर द फर्नीचर. सो हियर यू हैव टू राइट हियर बी. डोंट ड्रॉ एनी लाइन्स. इट डजंट लुक गुड. इट लुक सो अनटाइडी. सो हियर यू हैव टू राइट बी. सेकेंड वन, कानपुर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई. व्हाट इज इट? फ्रूट्स, एनिमल्स, प्लेयर्स, प्लेसेस. यस, प्लेसेस. सो हियर वी विल राइट प्लेसेस. सचिन, सहवाग, धोनी, विराट कोहली, दे आर प्लेयर्स. सो हियर यू विल राइट डी. एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनानास, पाइनएप्पल्स. व्हाट आर दीज? फ्रूट्स. So here you will write A. Fifth, dog, cat, lion, tiger, deer. What are these? These are animals. So you will write here C. Brinjal, potato, tomato, cabbage and cauliflower. What is this? These are vegetables. So you will write here J. English, Hindi, Maths. What are these? These are subjects. So you will write here F. Pencil, eraser, sharpener, pen. What are these things? These are stationery. So here you will write I. Swallow, pigeon, peacock, cuckoo. What are these? These are the birds. So here you will write G. Then lily, sunflower, rose, poppy. These are the, what are these? These are the flowers. So we will write here H. I will send answer copy of these pages in Tenno also. Okay, so you write it properly. Now, last question, J. Look around in your classroom. Write six nouns that you can see. आप अपने क्लासरूम में जब होते हो तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखती हैं जो हम नाउन में लिख सकते हैं? मतलब कौन कौन सी चीजें आपको दिखती है, जैसे कि टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, एवरीथिंग. वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट दैट यू कैन राइट. आई विल नॉट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट बाई योर सेल्फ एंड दैट इज योर होमवर्क. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर नाउन. सो वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.